हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे। और हमारे घर पे आज बनी रही थी कचौरियाँ, तो ताया जी पीस रहे थे दालों को जो हमने रात को भिगो के रखी हुई थी, तो ताया जी उनको पीस रहे थे। और बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था और जो हमने दालें पीस के रख दी है और जो मसाला था वो भी पीस के रख दिया हमने साथ में ही। और ताई जी ने आटा गूंद के रख दिया था और मैंने उसको उड़ा के रख दिया 10-15 मिनट के लिए। और ताई जी थी जो हमने दाल पीसी हुई थी और ताई उसको मिक्स कर रही थी, तो ताई जी मिक्स कर बैठे थे दालों को। और उसके बाद हमने कढ़ाई रखी चूल्हे के ऊपर और तेल डाला इसके अंदर, तो हमने तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया और मम्मी हमारे साथ बातें कर रही थी। और उसके बाद हम लग गए घड़ने कचौरियों को, हम तो उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको बेडुआ, जो कि चने दले की भी होती हैं और धुलमा की भी होती है और आलू की भी होती है। और आलू की जो होती है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी यमी होती है। और काफ़ी टाइम के बाद हम ये चीज़ बना रहे थे कचौरियाँ, और मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी भाई तू भी सीख ले कुछ, और मेरे को आता तो है नहीं कुछ भी वैसे। और पापा जी थे हमारे साथ जो मजाक कर रहे थे हमारे साथ थोड़ा सा। और उसके बाद ताई जी ने गर्म गर्म तेल के अंदर कचौरी डाल दी और काफ़ी अच्छे से फूल रही थी। और मैं थोड़ी देर बाहर आई तो बाहर का व्यू, मतलब व्यू अच्छा भी हो रखा था और डरावना सा भी हो रखा क्योंकि धुंध पड़ गई थी काफ़ी ज़्यादा। और साथ में मम्मा जी मेरे बना रहे थे भल्ले, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और हमारी फैमिली को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये भल्ले कचौरियाँ वगैरह। तो थोड़ी सी रोटी बनी थी तो हम नीचे वाले घर पे आए थे दादा अम्मा को खाना देने के लिए, तो उनको खाना देने के बाद हम खुद भी घर जाके खाना लगे खाने, तो मतलब दूसरे घर पे मीन्स के ताया जी के घर पे गए थे। तो मेरी बहन पूछती भाई कैसी बनी है कचौरी, तो काफ़ी अच्छी बनी थी। और ये भैया है हरियाणा से है, तो ये बोलता हमारे हरियाणा में ऐसी चीज़ें नहीं बनती और काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनी हुई थी। तो उसके बाद फिर हम चले गए घर पे। और ये था मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग, तो आपको कैसा लगा मेरा मिनी ब्लॉग, तो आप लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएँ।